गुड मॉर्निंग एवरीवन, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू मैडम। एज लेसन टू इज कंप्लीटली ओवर यस्टरडे, सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल बी रीडिंग लेसन थ्री। सो एवरीवन हैज टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द लाइन एंड रीड वन पैराग्राफ। सो हु विल कम फर्स्ट? मॉम। यस मॉनिटर, प्लीज कम फॉरवर्ड and read loudly, okay? They all sat on the ground to take a good look at me. I walked slowly backward and forward, pulled off my hat and made a low bow towards the farmers. They all sat on the ground. Okay, stop. Paragraph is over. Next, who is next? Please come forward and read loudly, okay? I tried to speak them loudly in several languages. Each time I did, so the farmer who picked. Okay, stop. Now, Sandeep, it's your turn. Come forward and read loudly, okay? Come fast. Is ear very close? Read loudly. Me but in where the farmer. Silence, everyone. Took me to his house and placed me at some distance on the dining table, which was 30 feet high from the table. The people said, come. Silence, everyone. No problem, Sandeep. Repeat after me, okay? Say, Kong. Kong. Rachu. Rachu. Lation. Lation. Congratulation. Congratulation. नमस्कार सर, फूडा से मैं नीरज बात कर रहा हूँ, कि आपसे ये बात करने का सही टाइम है? हाँ सर, बहुत सही टाइम पे आपने कॉल किया है। मैं पटरी पे लेटा हुआ हूँ, ट्रेन आने में भी टाइम है। बताइए क्या स्कीम है आपके पास? सर हमारी कंपनी एक बहुत स्पेशल स्कीम लेके आई है, 800 रुपए में लाइफ टाइम मेंबरशिप है, क्या आप लेना चाहेंगे सर? क्या बताया, मैं कहाँ पर लेटा हुआ हूँ? पटरी पर सर। और मैं क्या करने वाला हूँ? सर शायद मरने वाले हैं सर। जब बंदा बोल रहा है कि वो मरने वाला है तो उसको लाइफ टाइम स्कीम चिपका रहा है। साले कितनी बार बोला है ये कि बार बार फोन मत कर, बार बार फोन मत कर। जिसके पास लाइफ नहीं बची उसको तो लाइफ टाइम स्कीम चिपका के क्या करेगा? क्यों बार बार फोन करता है? अरे साले मेरा ब्रेकअप हो गया, बंदी छोड़ के चली गई, सब कुछ मेरे से दूर हो गया, अलग हो गया और तू मुझे लाइफ टाइम स्कीम चिपका रहा है। आज के बाद फोन मत कर देना, कितनी बार बोला है तेरे को, समझ ले। आज के बाद तेरा नंबर मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, मेरा नंबर तू ब्लॉक करते, फोन मत करती हो, समझा ना। हेलो सूरज जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? सूरज जी प्लीज आप फोन काट दीजिए, हमारी तरफ से फोन नहीं कर। क्षमा चाहूंगी, यह जानकारी मैं आपको नहीं दे सकती। इंस्टाग्राम आईडी तो मैडम जी मांगी आपसे, अब आपने भी दे दो ना, कुछ मेरे से पूछा, मैंने भी तो बताया ना आपको। सर आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि यह कॉल रिकॉर्ड हो रही है। वाह मैडम जी वाह, मेरे बारे में सब पूछ लिया, कॉल भी रिकॉर्ड कर ली,
खुद के बारे में एक चीज नहीं बता रही हो? This is not fair, प्रीति. You are very चलाक. Very चलाक. No means no. अरे क्षमा को बोल लो अपनी में. मेरे 300 रुपए का ऑर्डर था और तुमने मुझे सिर्फ 28 रुपए रिफंड किए. मुझे मेरा पूरा पैसा रिफंड चाहिए. देखिए मनोज जी, आपको जो तकलीफ हुई उसके लिए मैं माफी चाहूंगा सर, पर प्लीज समझने की कोशिश कीजिए. इस वक्त यही बेस्ट है जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ सर. अगर आपके पास प्रो मेंबरशिप होती ना सर, तो पूरे के पूरे पैसे रिफंड मिलते, कोई दिक्कत नहीं थी सर. अब ये क्या नौटंकी है तुम लोगों की? सर मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा. मान लीजिए आपके पास प्रो मेंबरशिप होती ना सर, तो आपके जो डिलीवरी के एक्स्ट्रा चार्जेस है ना, ये नहीं लगते सर. और खाने पे आपको 15% ऑफ मिलता. और तो और सर, अगर खाना आपका 30 मिनट के अंदर नहीं पहुंचता, तो पूरे के पूरे पैसे रिफंड हो सकते थे सर. सर अगर आपको चाहिए तो एक महीने के लिए लेके देख लीजिए. अगर नहीं पसंद आया सर, आप कभी भी कैंसिल करा सकते, कोई दिक्कत नहीं है सर. बट प्रो मेंबरशिप तो आप सिलेक्टेड लोगों को देते हो ना? जी सर, एक्चुअली जिनकी रेटिंग्स अच्छी होती है ना, हम उन्हीं को ये मेंबरशिप देते हैं सर. और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आपकी रेटिंग्स बहुत अच्छी है सर, आप ऑलरेडी हमारे सिलेक्टेड कस्टमर हो सर. सर एक लिंक भेजा मैंने आपके फ़ोन पे, प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए. हाँ हाँ दिख रहा है मुझे मेंबरशिप लिंक. हाँ सर देखिए, वैसे तो साल भर की जो मेंबरशिप है वो 1000 रुपीज़ की है, पर क्योंकि आपका खाना हमारे तरफ से ठंडा और लेट पहुँचा सर, तो ये पूरा पैकेज मैं एडजस्ट करके आपको पूरा पैकेज 780 प्लस इंक्लूडिंग टैक्सेस हो जाएगा सर. कोई दिक्कत नहीं है. और सर ये ऑफर आपको दोबारा नहीं मिलेगा सर. और तो और प्रो मेंबर्स की जो कॉल है ना, हम सबसे पहले रिसीव करते हैं सर. ओके ओके, थैंक यू. कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया सर. आप हमारी मेंबरशिप यूज कर सकते हैं सर. और कोई जानकारी चाहेंगे? अरे सर कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है. फुडा में कॉल करने के लिए धन्यवाद. आपका दिन शुभ हो सर. थैंक यू सो मच. धन्यवाद सर. सही खेल गया संदीप. हैं? तुम लोग भी कुछ सीखो इससे, समझे? क्योंकि कस्टमर की गाली जो होती है ना, वो अंग्रेजी भाषा के नाइफ के की तरह होती है, बिल्कुल यूजलेस. ये बात इसको जल्दी समझ में आ गई और एम्प्लॉय ऑफ द वीक बन गया. और तुम लोग भी दिल पे लगाए बैठे हो. एक मनदीप के हाथ की चाय और दूसरा संदीप के हाथ का सेल, बस यही है जो ऑफिस में मेरा मूड सही रखती है. बाकी तुम लोग तो हो ही मूड खराब करने के लिए. पता है ना क्वार्टरली बोनस अनाउंस होने वाला है. ये बॉस संदीप का कुछ ज्यादा ही फेवर नहीं करता है. हाँ चाटता होगा और क्या. पर एक बात बोलूँ भाई, अपने से नहीं चाटू करेगा, नहीं होगी. भले चाहे बोनस ना मिले, तो जल्दी जल्दी अपने टारगेट्स अचीव करो. क्योंकि तुम लोग अपने टारगेट्स अचीव करोगे तभी तो मैं 1 BHK से 2 BHK में शिफ्ट हो पाऊंगा. बॉस के ऐसे घटिया जोक्स पे वही एम्प्लॉई हंसते हैं ना जिनका टारगेट अचीव नहीं होता. मुझे चमचे नहीं, सेल्समैन चाहिए. बंपर बुधवार ऑफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आपका दिन शुभ हो. सही जी 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 सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप. जी सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. जी 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 आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर. जी सर, जी सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. जी सर. नमस्कार सर, फिर आपका स्वागत है. मैं संदीप. आप सर, क्या मैं उसके लिए आपको कल दो मिनट फोन पे रख सकता हूँ? जी सर बताइए. शुक्रिया सर. ओके जी सर. सर पर टमाटर सॉस तो खट्टा ही होता है ना सर. सर वो कंपनी की तरफ से आता है. हाँ जी सर. और कोई जानकारी चाहेंगे सर आप? उड़ा में कॉल करने के लिए धन्यवाद. आपका दिन शुभ हो. टाइम मिल गया आने का. तुम लोग को पता है ना ये हमारा गेम का टाइम होता है. पूरा दिन कस्टमर की गाली सुन सुन के सुन सुन के ऑफिस में सिर्फ यही एक टाइम होता है जब मजा आता है. तो तुम लोग यहां भी लेट आ रहे हो यार. अब सर मत झुकाओ, फोन निकालो, गेम लगाओ. साहब है ना रवि की गलती है भैया. घर में बीवी के आगे नहीं चलती है, यहाँ गेम में तुम दोनों के आगे नहीं चलती है. बेकार लाइफ है यार भैया. भाभी ने फिर डांट दिया क्या? अरे तो आप मूड ऑन कर दो ना. अरे मेरी वजह से थोड़ी यार. तो अरे वो कल रात गांव से फोन आया था. अब कौन निपट गया? अरे गांव से फोन आने का मतलब हमेशा कोई मर ही थोड़ी जाता है यार. अरे मेरे साले का फोन था. अच्छा क्या कह रहा था? अरे वो खेत में जा रहा था, पेशाब कर रहा था, इतने में पीछे से कोई आया और उसके गोटे छीन के भाग गया. क्या पकड़ा नहीं हुआ था? हाँ मतलब
उसको लगा कि अपना ही खेत है, आजू बाजू सब अपने ही लोग हैं, कोई छुएगा तक नहीं। लेकिन नहीं, तो बड़े बड़े बदमाश पीछे से आए और उसके गोटे छीन के भाग गए, एक भी नहीं छोड़। भाई ये बिना गोटे के भी जिंदा रह लेते हैं क्या? हाँ, मतलब किसी का कोई अपना जाता है तो बुरा तो लगता ही है। कल रात से एक रोटी तक नहीं खाई है तुम्हारी भाभी, रो रही हैं, बोल रही हैं पैसे दो, साले साहब के लिए नए गोटे लाने हैं। नए गोटे भी लग जाते? लग जाते हैं? हाँ? अबे तुम लोग क्या लगवाने की सोच रहे हो? गोटे? अबे गोट, गोट, जी ओ ए टी, गोट माने बकरी, बहुवचन में गोटे। अरे तो यार बकरिया बोलो ना यार भैया आप यार। मतलब बहुत ही खराब अंग्रेजी यार, एक वर्ड इंग्लिश की आ गई, तुम लोग की हालत खराब हो गई। अरे गोट तो गोट बोलता है, गोट में किसका पसीना निकलता है यार, वो तो नहीं पकड़ पाए। गोट गोट गुड। हाँ एक एक और चाय हो जाए। अरे नहीं यार, चाय से गैस हो जाती है मुझे। अरे भैया पैसे मैं दे रहा हूँ, फिर तो पी लूंगा भाई। तीन चाय। इससे अच्छा तो ऑफिस में बैठ के काम ही कर लेते। तो काम तमाम ही हो गया यार, ऊपर होते तो ये भी नहीं देख पाते। किसी और के साथ ही सही, कम से कम दिखी तो। ऐसे भी इसे तो उसे बस देखने में ही मजा आता है। संदीप, अरे क्यों मजे ले रहे हो यार भैया? कितनी बार तो मैं बता चुका हूँ भैया, यार मुझे बहुत पसंद है यार। ये बात मुझे नहीं, उसे जाके बोल। अब बोलना तो चाहता हूँ। अच्छा, पर उससे पहले उसके और मेरे बीच में एक अंग्रेजों वाला ब्रिज बनाना पड़ेगा ना। अंग्रेजी नहीं आती ना यार, ये लोग पता नहीं कैसे अंग्रेजी में उठते बैठते हैं और फिर इतनी जल्दी बोल के उसका जवाब भी दे देते हैं। मैं साला मन ही मन हिंदी से अंग्रेजी करता रह जाता हूँ और वो निकल जाती है। लो निकल गई, निकल शिट, निकल गई, निकल गई, निकल गई, निकल गई। क्या हो गया? अरे मेरी नौकरी निकल गई, देखना लावेश भाई निकाल देंगे मुझे। कॉल में बने रहने के लिए धन्यवाद सर, आपका समय हमारे लिए बहुत कीमती है। लेकिन सर मैं क्षमा चाहूंगा, अभी मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। अरे कम से कम ट्राई तो कर ले सर। आप विश्वास रखें, मैंने आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश की है। तो वाले मुझे इतने देर होल्ड पे क्यों रखा? कोई टाइम की वैल्यू की नहीं? सब तेरे से वैल्यू बैठे क्या? कॉल सेंटर में गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे आपका फोन काटना होगा। फूटा में कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मॉर्निंग शिफ्ट का भी अपना ही फायदा है सर, नहीं टाइम से फ्री हो जाते हैं। हाँ, जिनको काम नहीं कर रहा उनके लिए क्या मॉर्निंग शिफ्ट, क्या नाइट शिफ्ट, हर दिन संडे उनके लिए। अरे सर ये संदीप कह रहा है कि हिंदी गाने चेंज करके इंग्लिश लगा दीजिए, मजा नहीं आ रहा। अच्छा, बड़ा शौक चढ़ रहा है अंग्रेजी गाने सुनने का, उतार के कार से फेंक दूंगा किसी ने फालतू बातें करी। सर बकवास कर रहा है सर, ये मजे ले रहा, देखो हंस रहा है पीछे, भड़का रहा है सर आपको। अरे नहीं सर। रवि तुझे मुझे भड़काने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुझे भड़का हुआ रहता। अरे सर मैं बस ऐसे मजाक कर रहा था। मजाक कर रहा था, साली हूं मैं तेरी जो मजाक कर रहा था। सुमन जी अड़ी रुको। अरे अरे सर, सर घर बहुत दूर है सर यहाँ से, मैं सच में मजाक कर रहा था सर। कर लिया मजाक, आ गया स्वाद। सॉरी सर। संदीप क्या बोलता है, रुका जाए अंडा भुर्जी और बियर। अरे बियर नहीं पी सकता सर, ट्यूसडे ना, आज कल बैठते हैं ना सर। हाँ सर कल बैठते हैं, कल तो इसको बोनस भी मिलने वाला है, पार्टी देगा ये सर। वैसे ये बोनस और किस किस को मिलने वाला है? अरे इस बार कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो बहुत सारे लोगों को बोनस मिलने वाला है, इनफैक्ट कौस्तव तक को बोनस मिलने वाला, लेकिन तुझे नहीं मिलने वाला।
अरे सर इसको क्या जरूरत है बोनस की, इसके बाप के पास बहुत पैसा है सर, बहुत बड़ा बिजनेस है पापा का। मुझे समझ में नहीं आता ये तुम वो सब छोड़ के यहाँ क्यों धक्के खा रहे हो भाई। अरे सर वो बस पापा से बनती नहीं है इसलिए। अरे उनकी तेरे से बनती नहीं है, वो तेरे से बनाते ही नहीं है, क्योंकि उनको तेरी असलियत पता है। हमारे यहाँ ना एक कहावत है, पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय, और तू कपूत है। कल बैठता सर। हाँ ठीक है, इस कपूत को भी ले आना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बोलने से इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम हिंदी सेक्शन के इंसेंटिव से स्टार्ट करेंगे। जगदीश सर गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग जगदीश दादा। मुझे पता है कि इस क्वार्टर में आप सबने बहुत मेहनत करी है, तो सबसे पहले खुद के लिए तालियां मार लो। गाइस मुझे पता है कि तुम्हें तालियां नहीं चाहिए, आपको वो इंसेंटिव चाहिए जो हमने आपको प्रॉमिस किया था। तो सबसे पहले अनाउंस करते हैं हिंदी सेक्शन के टॉप 3 परफॉर्मर्स। नंबर 3 पर हैं हम सबके चहेते श्री लवेश किशोर शर्मा। जिन्होंने 122 सेल्स की हैं और जिनका इंसेंटिव है 10,000 रुपया। लवेश भाई आप तो शर्मा बोले। ये तो आपका बड़ा फन है। नंबर 2 पर हैं हमारे एक ऐसे एम्प्लॉई जो बीपी की गोली के दुश्मन है। उन्होंने क्लाइंट से गालियां खा ली लेकिन अपना बीपी नहीं बढ़ने दिया। जिन्होंने की हैं 134 सेल्स, नीरज सिंह। और उनका इंसेंटिव है 12,000 रुपया। और अब बारी है हमारे चैंपियन सेल्समैन ऑफ द क्वार्टर, जिन्होंने की है 290 सेल्स और जिनका इंसेंटिव है 15,000 रुपये। तो प्लीज वेलकम संदीप कुमार। जल्दी भाई एक और कॉल आ रहा है, जल्दी कन्वर्ट कर ले। सिर्फ इतना ही नहीं, अब एक स्पेशल बोनस गिफ्ट है एक स्पेशल एम्प्लॉय के लिए जो इस कंपनी में तब से हैं जब ये कंपनी यहाँ नहीं थी, क्योंकि वो इस फ्लोर पे काम करते थे किसी और कंपनी में और हम यहाँ आ गए, फिर उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। जैसे क्रिकेट में फेयर प्ले अवार्ड होता है, वैसे ही इसमें जिसकी कस्टमर रेटिंग्स हाईएस्ट होती हैं उसको ये अवार्ड मिलता है। सो प्लीज़ वेलकम लवेश भाई। तो अब बारी है इंग्लिश सेक्शन की। थैंक यू जगी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द हिंदी सेक्शन प्लीज। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। राइट, दैट इज राइट। संदीप आई विश यू वर ऑन आवर साइड। डोंट यू विश? नो नो यू डोंट विश। राहुल नो यू डोंट विश। ओके ओके, बट जस्ट लाइक आवर हिंदी सेक्शन Our English section has done a fabulous job in the numbers. Lavish bhai, khol ke dekhta hu kya hai. Are wah, phone. Now for the star performer with a bonus of 2,300 dirhams, which is 50,000 Indian rupees, is Rahul Mahajan. He has made 90 sales. And he is our star performer. Good job, man. Good job. And now, for the second place, our second star is Neeti Mohan. Good job. Good job. And now, for the final.
सेल्समैन ऑफ द क्वार्टर 290 से और जिनका इंसेंटिव है 15,000 रुपए बोनस 50,000 इंडियन रुपीस ही हैज मेड 90 सेल्स. इंग्लिश सेक्शन वाले तो क्या मस्त पार्टी करेंगे नहीं? अरे सर वो राहुल ने 100 से कम सेल की फिर भी इतना बोनस मिला. इसकी तो 200 से ऊपर सेल थी. इसको इंग्लिश आती होती तो ये तो पूरी कंपनी लूट लेता आज. हैं एंड गाइस प्लीज कमेंट करके हमको ये बताओ आपके आपके जिंदगी में इंग्लिश की वजह से क्या क्या आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है. एंड प्लीज लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो TSP को. जी सर, बेल आइकन आपने दबा दिया? हर